नमस्कार विजन देखने वाले सभी दर्शकों को, दिनेश भाई की राम राम। और आज हम पहुंचे हैं भाई करसोड़ा गांव में। यहां क्या है, सरोप का पंचायत है, गांव की जो सभी जातियों के लोगों ने पैसे इकट्ठे करके जो दिल्ली में धरना किया जा रहा है किसानों द्वारा तीन कानूनों के खिलाफ, उसके बारे में उसकी उनकी जो वहाँ हैं संघर्ष कर रहे हैं किसान, उनके लिए लड्डू तैयार कर रहे हैं और यहाँ बैठे हैं भाई किसान। यहाँ के गांव के जो लोकल किसान हैं उनके लिए लड्डू बना रहे हैं भाई, उनसे जाने भाई इस विधेयक के बारे में उनका क्या कहना है। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। जो आप लड्डू तैयार कर रहे हैं। हाँ जी। लगातार तीन दिन हो गए कढ़ाई चली, चार दिन हो गए दिल्ली, तीन दिन हो गए जंदे ने। तो आज लड्डू भेजे हैं आज आपने, कम से कम होंगे जी 15-20 क्विंटल। तो ये मतलब जो लड्डू बांटने वाले सेवादार गांव से फ्री में जा रहे हैं या आप उनको मेहनत आना? हाँ, काम ही उनका जी, फ्री में। फ्री में कर? हाँ जी। पूरा गांव का सी हुआ है छत्तीस बिरादरी का। तो मतलब किसान भी गए आपके? किसान भी गए, ट्रैक्टर गया है जी। अच्छा, ट्रैक्टर। हाँ, गड्डी गई है और लड्डू गए हैं, ट्रैक्टर भी गए हैं। आप लड्डुओं के सिवाय भी और कुछ भी सेवाएं दे रहे हैं क्या वहाँ? और वहाँ बैठे हैं हमारे धरना भाई, बैठे हैं आदमी गाँव के। हाँ जी। ये देखिए भाई बैठे हैं, ये अपने सरपंच है भाई साहब हमारा जो बीड़ा ठहरे हैं गाँव में। राम राम भाई साहब। राम राम जी। भाई साहब विजन हरियाणा पर आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई। भाई साहब जो ये प्रोग्राम रच रखा है, इतना बड़ा बीड़ा ठाया है आपने, तो इसमें कह रहे भाई लाखों में रुपया खर्च आएगा, क्या पता धरना किस दिन चले, कितने दिन चल सकता धरना, तो आप इतने अरेंजमेंट कैसे करेंगे पैसे का? ये पूरा गांव का छत्तीस बिरादरी का काम है जी, पूरा गांव इसमें मदद कर रहा है, सहयोग कर रहा है, रोजाना पैसे भी आ रहे हैं, चीनी घी सब कुछ सामान सारा सामान आ रहा है। और जब तक ये धरने प्रदर्शन चलेंगे जब तक ये काम चालू रहेगा। अच्छा। और पंजाब और हरियाणा के किसान यूपी राजस्थान के भी आने लग गए अब तो दिल्ली, जब तक वो डट रही है, आंदोलन जारी है, तब तक ये हमारा काम भी जारी रहेगा। जारी रहेगा मतलब? हाँ जी। पीछे नहीं हटना है? बिल्कुल पीछे नहीं हटना, डेली रोजाना दो चार ट्रैक्टर जावे हैं और 10 क्विंटल और 15 क्विंटल के बीच में लड्डू जावे हैं, दूध दही और भी राशन सारा लेके जावे हैं, पूरी उनकी मदद करनी है जी। ये करसोड़ा गांव मदद कर रहा है, यहाँ सराउंडिंग के आपके आसपास के गांव हैं वो भी इसमें कुछ सामने आ रहे हैं? ये फिलहाल यहाँ तो भंडारा करसोड़ा गांव का चल रहा है, बाकी हमारे नजदीक के जितने गांव हैं, जुलाना हल्के के जितने गांव हैं, अब तो सारे तपे जितने हैं कापों के जुलाना हल्के के, अब तो सारे तैयार हो रहे हैं, पूरी कोशिश चल रही है और सब तैयार होके आगे बढ़ने लग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई जो किसान है ना हरियाणा के किसान कम नजर आ रहे हैं इसके अंदर, पंजाब की तरफ से काफी संख्या में किसान आए हैं जबकि हरियाणा कम संख्या में किसान वहाँ पर देखिए में दिखाई देता है। पंजाब से जिस टाइम आने लगे थे उस टाइम लोग ये कह रहे थे कि हरियाणा के किसान को हौसला कम है, सही बात है ये। जिस दिन बॉर्डर के ऊपर पंजाब वाले किसान आए उसी दिन से इच्छा बढ़ने लगी हरियाणा वाले किसानों की भी, उनकी मदद भी करी है बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर हरियाणा वाले उनके साथ लग के तड़वाए हैं, जैसे जैसे उनका जत्था आगे हरियाणा के अंदर बढ़ा वैसे वैसे हरियाणा के किसानों ने उनकी इज्जत भी करी है, उनकी मदद भी करी है और उनके साथ लग के दिल्ली जाने लग रहे हैं। अब आप दिल्ली जाके देखो इतना ही हरियाणा के लोग हैं और इतना ही पंजाब के लोग हैं, बल्कि राजस्थान यूपी के लोग भी किसान भी सारे वहाँ जुटने लग रहे हैं। विजन हरियाणा के माध्यम से जो हरियाणा किसान हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हरियाणा के किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहूँगा कि पीछे नहीं हटना, ये आखिरी लड़ाई है, जो ये तीन कानून बनाए हैं किसान के लिए एक किस्म से डेथ वारंट है, अगर ये लागू रहे तो हमारी फसलें और नस्लें भी बर्बाद हो जाएंगी आगे, जब तक ये कानून वापिस नहीं होंगे हम दिल्ली से वापिस नहीं आएंगे। ये देखिए भैया हमारे साथ थे करसोड़ा गांव के सरपंच राजपाल। गांव के सरपंच ने हमें बताया कि पूरा गांव इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग दे रहा है, आप बने रहिए विजन हरियाणा के साथ। विजन